हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास वन चैप्टर थर्मोडायनामिक्स की न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल जो है वो एनसीईआरटी फिंगर टिप में से है। तो देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू फॉर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल इवेपोरेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वॉटर एट 100 डिग्री सेल्सियस विल बी। हमें जो है वो डेल्टा यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास 90 ग्राम ऑफ वाटर है, उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो इवेपोरेट कर रहे हैं। हमें जो है वो डेल्टा एच ऑफ इवेपोरेशन गिवन है 40.8 किलो जूल पर मोल। एक मोल की हमें जो है वैल्यू फाइंड आउट है गिवन है, सॉरी डेल्टा एच की हमें वन मोल के लिए जो है वैल्यू गिवन है। हमें पहले ये देखना होगा कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स वाटर प्रेजेंट है। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉटर, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास हमारे पास 90 ग्राम है, मोलिकुलर मास इसका होता है हमारे पास 18। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 5। तो हमें डेल्टा एच जो है वो 1 मोल के लिए गिवन है। डेल्टा एच फॉर 1 मोल जो है वो हमारे पास है 40.8। 5 मोल के लिए कितनी हो जाएगी, 5 मोल के लिए हमारे पास हो जाएगी 40.8 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 204 किलो जाउल। इसको जाउल में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके लिए इसको 100,000 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये होगी हमारी डेल्टा एच की वैल्यू। अब हम जो है फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, रिलेशन है डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच का। जो रिलेशन है हमारे पास वो है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच जो है वो हमारे पास कितना है, डेल्टा एच है हमारे पास 204 इंटू 1000। डेल्टा यू जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। डेल्टा एन जी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 5 नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसकी जगह पे 5 आ जाएगा। आर जो है वो गैस कॉन्स्टेंट है, जाउल पर कैल्विन में उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.314। टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 373 केल्विन। तो ये इधर प्लस है तो इधर सारी आके ये चीजें जो है वो माइनस में हो जाएगी हमारे पास 5 × 8.314 × 373 डेल्टा यू। ये हो जाएगा हमारे पास 204000। माइनस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 8.314 × 373 इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 15505.61 = डेल्टा यू। इसको अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 188494.39 = डेल्टा यू। ये जो डेल्टा यू की वैल्यू है ये जाउल में आई है, लेकिन हमारे पास सारे आंसर जो है वो किलो जाउल में है, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो ये 3 पॉइंट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 188.49 किलो जाउल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू होगा 188.494 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा, 188.494 किलो जाउल। तो आई होप आपको क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपके कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।